असल डर स्टूडेंट्स होप यू आर आल फाइन देखिए आप जानते हैं कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इस सूरत में हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास जो मैन इनपुट्स है लैंड है लेबर है कैपिटल है रॉ मटेरियल है इन इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ फिक्सड होते हैं और कुछ वेरेबल होते हैं और अगर हम आउटपुट बढ़ाना चाहें और हम शॉर्ट रन में हों तो उस सूरत में आवर आउटपुट इज एट्रीब्यूटेड टू द वेरिएबल फैक्टर्स अब अगर हम किसी भी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं इन द फिक्स्ड फैक्टर हाउ द आउटपुट बिहेव डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन प्रोडक्शन

प्रोडक्शन का ताल्लुक है लेट्स एज्यूम इट इज कॉन्स्टेंट और जो चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है आउटपुट इट विल डिपेंड एक्सक्लूसिवलीफ दर्स प्रोड्यूसर ब्रिंग्स अबाउट इन हिज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड एज ए रिजल्ट दीर इज चेंज इन द रेशो ऑफ फैक्टर्स यूज्ड जो हमने पहले डिस्कस किया है और जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट एंड द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स उसे हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं ऐसे हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं अगर हम कंट्रीरी देखें व्हेन प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर इनपुट्स इज रेफर टू एज रिटर्न टू स्केल

ये शॉर्ट रन पॉसिबिलिटी है उस रिटर्न स्केल लॉन्ग रन पॉसिबिलिटी है क्योंकि शॉर्ट रन में हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते और लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्सड नहीं रहता है अब चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो हमारे पास लॉज ऑफ प्रोडक्शन है फॉर शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट ऑन द आउटपुट आर टू स्टडी द बेहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू चेंज इन इनपुट्स जो लॉज आपके सामने है चूँकि हमारे पास दो पॉसिबलिटीज़ हैं शार्ट रन एंड लॉन्ग रन शार्ट रन में रिटर्न टू तो फैक्ट्र ही होते हैं और लॉन्ग रन में रिटर्न टू तो स्केल होते हैं अब अगर हम चूंकि एक फैक्टर कॉन्स्टेंट है वी आर इन द शॉर्ट रन और बाकी फैक्टर्स अगर हम चेंज करें इनक्रीज करें जो प्रपोर्शन है इट विल चेंज बिटवीन द आउटपुट बिटवीन द इनपुट्स फॉर एग्जाम्पल वन मशीन वन वर्कर वन मशीन टू वर्कर्स वन मशीन थ्री वर्कर्स तो प्रपोर्शन चेंज होता है तो सो हियर हैव रिटर्न टू फैक्टर द वेरेबल फैक्टर और क्या इफेक्ट रहता है अगर हम एक फैक्टर को वेरेबल फैक्टर को चेंज करते रहें इंक्रीज करते रहें वट विल हैपन टू द आउटपुट जो लॉज ऑफ़ प्रोडक्शन है यह हमें तीन पॉसिबिलिटीज देता है फर्स्ट इफ़ वी अप्लाई टू अ फिक्सड फैक्टर द वेरेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनशियली टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एंड इनक्रीजिंग रेट इफ़ वी कंटिन्यू द प्रोसेस इट विल Increase but at a constant rate, and if further go ahead, we will witness decreasing returns to a factor or diminishing returns to a factor. Right? Same is the case with the long run. That's to returns to scale. Here, the factor ratio It is changed but in some constant proportion. For example, one worker, one machine, two machines, two workers, three machines, three workers. द रेशो इज सेम वन इज टू वन वन इज टू वन वन इज टू वन अगर हम ऐसा करें तो आउटपुट का बिहेवियर क्या रहता है फर्स्ट इट विल इंक्रीज एन इंक्रीजिंग रेट दैट इज हैव इंक्रीजिंग टू देन इट विल इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट दैट इज़ वी हैव कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड फाइनली वी विल डिमिनिशिंग स्कल राइट ऐसा क्यों होता है दिय आर रीजनज Responsible for increasing returns to a factor, increasing returns to scale, increase constant returns to a factor, constant returns to scale, and similarly for the diminishing returns as well. What are these? We, we have to study the laws, the conditions, as well as the reasons responsible for these. Increasing constant and decreasing returns one by one. राइट right? तो यहां लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमें यही बताते हैं कि बिहेवियर ऑफ आउटपुट क्या रहता है चाहे हम फैक्टर्स चेंज करें या स्केल चेंज करें राइट दिस इज अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द लॉज ऑफ प्रोडक्शन लॉज ऑफ प्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्नस टू फैक्टर में तीन कंडीशन हैं तीन लाज हैं और रिटर्न टू स्केल में तीन कंडीशन हैं राइट और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट ला है जिसे हम लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं एनीवे वे दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री लॉज वो भी हम डिस्कस करेंगे वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज लाज वन बाई वन लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है यू हैव टू कीप इन माइंड द कंसेप्ट ऐसा ए आर सॉरी जो हमने कल डिस्कस किया एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट ये तीन प्रोडक्ट्स आपने के जहन में होने चाहिए दिमाग में होने चाहिए तब हम इन लाज में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर सकते ठीक है ना तो इनशाला वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए इतना ही काफ़ी है गो थ्रो योर बुक्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन ए बेटर वे अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है कंसल्ट में व्हाट्सएप एप में एस एम एस में आई एम एट योर डिस्पोजल थैंक यू वेरी मच हैव नाइस डे गॉड ब्लेस यू